अच्छन महाराज, स्वर्गीय अच्छन महाराज कालिका प्रसाद जी के तीन पुत्रों में सबसे बड़े थे। लच्छू और शंभू महाराज आपसे छोटे थे। आपने भी अपने चाचा बिंदादीन की तरह कथक नृत्य का प्रचार प्रसार किया और यश कमाया। आप करीब 17-18 वर्ष तक नवाब रामपुर के दरबार में रहे। अच्छन महाराज 20वीं सदी के नृत्य सम्राट माने जाते थे। वे अंग संचालन द्वारा बहुत ही सूक्ष्म बातें व्यक्त कर देते थे, जो शब्दों के परे था। कठिन से कठिन तालों पर भी नृत्य का अच्छा प्रदर्शन किया करते थे। ताल और लय पर उनका पूरा अधिकार था। कठिन से कठिन लयकारी बड़ी सरलता से दिखाते थे। धमार, सूल, ब्रह्म, आड़ा चौताल और सवारी आदि तालों पर घंटों नृत्य किया करते थे। कृष्ण की माखन चोरी, मथुरा गमन, कंसवध, गोवर्धन धारण तथा राधा कृष्ण की प्रेम लीला बड़ी सुंदर ढंग से किया करते थे। आपका असली नाम जगन्नाथ प्रसाद था। आपका स्वभाव सरल तथा क्रोध व गर्व रहित था। आपने नृत्य कला पर एक बड़ी पुस्तक भी लिखी थी, किंतु किसी ने उसे चुरा लिया। आपने कृष्ण लीला संबंधी बहुत सी नृत्यों की रचना की। आपके रंगमंच पर आते ही दर्शक आनंद मग्न हो जाया करते थे। ठुमरी गाकर, उर्दू का कोई शेर पढ़कर उसका भाव बताना आपकी विशेषता थी। जब आप सुकोमल स्त्री का भाव दिखाते थे तो ऐसा मालूम पड़ता था कि सचमुच कोई स्त्री सामने खड़ी है। आपके एकमात्र योग्य पुत्र पंडित बिरजू महाराज अपनी कला में बेजोड़ हैं। आपका जन्म 1883 के लगभग उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में अपने ननिहाल ग्राम लमुहा में हुआ और आपकी मृत्यु 29 मई सन 1950 को लखनऊ में हुई।